ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था उसके हाथ में आज बीख का कटोरा है। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। जितने साल हमारे देश में कांग्रेस सरकार रही, एक बड़ा हौवा था आए दिन, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान। आज देखिए ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था उसके हाथ में आज बीख का कटोरा है। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी। डोजियर का मतलब है फाइल पे सारी जानकारियां इकट्ठी कर करके वो देते थे कि तुम्हारे लोग आए थे, ये उनकी फोटो है, यहां बम फोड़ के चले गए। तुम्हारे लोग आए थे, इतने लोगों को मार करके चले गए। तुम्हारे वो लोग आए थे, डोजियर देते थे, डोजियर, और फिर देश को बताते थे हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिया है। डोजियर और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। और साथियों संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्म दर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा, और हम तो जानते ही हैं कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को
आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है। देश के दुश्मनों को वैसी ही करप्ट सरकार चाहिए जो 2014 से पहले थी। देश के दुश्मनों को वैसी ही अस्थिर सरकार चाहिए जो 2014 से पहले देश में थी। मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है और न ही रुकती है।